अल्लू अर्जुन वर्सेस रामचरण। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ था, तो वही रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को चेन्नई में ही हुआ था। अल्लू अर्जुन 2024 में 42 साल के हो चुके हैं, वही रामचरण 2024 में पूरे 39 साल के हो चुके हैं। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एक फिल्म प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन है, वही रामचरण के पिता चिरंजीवी एक लेजेंडरी एक्टर है। अल्लू अर्जुन ने 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी की थी, वही रामचरण ने 2012 में उपासना कामिनी से शादी की थी। अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म थी गंगोत्री जो साल 2003 में आई थी, और रामचरण की पहली मूवी चिरूथा साल 2007 में आई थी। पहले अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी तो पॉइंट अल्लू अर्जुन को मिलता है। अल्लू अर्जुन ने अब तक 20 फिल्मों के अंदर काम किया है, तो वही रामचरण ने अब तक 14 फिल्मों के अंदर काम किया है, पॉइंट अल्लू अर्जुन को मिलता है। अल्लू अर्जुन की अब तक 3 फिल्में फ्लॉप रह चुकी हैं, तो वही रामचरण की अब तक 4 फिल्में फ्लॉप रही हैं। अल्लू अर्जुन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म पुष्पा पार्ट 1 जिसने वर्ल्ड वाइड 370 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं रामचरण की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ट्रिपल आर जिसमें वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तो यहां पर पॉइंट रामचरण को मिलता है। अल्लू अर्जुन की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है आला वैकुंठपुरमुलु जिसने वर्ल्ड वाइड 260 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वही रामचरण की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है रंगास्थलम जिसने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए कमाए थे, तो पॉइंट अल्लू अर्जुन को मिलता है। अल्लू अर्जुन की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है पुष्पा पार्ट 2 जिसका बजट 500 करोड़ रुपए रखा गया है, वही रामचरण की सबसे महंगी फिल्म ट्रिपल आर जिसका बजट 550 करोड़ रुपए था, तो पॉइंट रामचरण को मिलता है। अल्लू अर्जुन की फर्स्ट डे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है पुष्पा पार्ट 1 जिसमें अपने पहले दिन 58 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वही रामचरण की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है ट्रिपल आर जिसने अपने पहले दिन 223 करोड़ रुपए कमाए थे, तो यहां पर पॉइंट रामचरण को मिलता है। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा पार्ट 2 के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की चार्ज कर रहे हैं, तो वही रामचरण अपनी एक फिल्म के लिए 55 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट अल्लू अर्जुन को मिलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।